गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम सेट होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, थोड़ा सा काम है। तो भैया जी अभी हम आए थे जस्ट परेड कॉलेज कुड़ियों को तकड़ने के लिए, सॉरी कुड़ियों को तकड़ने के लिए नहीं, कुड़ियों को देखने के लिए। कजन को छोड़ने आए थे हम, तो अभी घर जा रहे हैं। फिर MM कॉलेज आना, थोड़ा सा काम है MM कॉलेज में, फिर मिलते हैं आपको। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। जैसे अभी हम पहुंच चुके हैं MM कॉलेज में। हरियाली यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी है, ग्रीनरी। तो बाकी साइड मैच चल रहा है कुछ बंदों का, ये शायद हॉस्टल के लड़के हैं या फिर बाहर से आते हैं खेलने के लिए। बाकी आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे MM कॉलेज अच्छे से। तो हमें हमारे कौशल भाई मिले हैं, कैसे हो सर? भाई पतंग उड़ा के हाथ कट गया। तो ये गुड्डे उड़ाते हैं, इनका हाथ कट गया। पेपर कितने बजे है? सो बैक साइड हम बिल्डिंग में जाने वाले थे, वहाँ पे लॉक है, यहाँ से हम इस साइड से घूम के जाएंगे। कौशल भाई हमारे साथ आज फुल से ही एक्सप्लोर आपको फुल करवाएंगे। तो ये जो बैक साइड के जितना पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारी बिल्डिंग नई बनी है, और ये वाली जो साइड है ना, ये बहुत टाइम हो चुका है इसको बने हुए। और ये शायद, मुझे पक्का पता नहीं है, साइंस ब्लॉक होगा शायद, वो वाला साथ में ऑडिटोरियम जिसके बाहर हम उस दिन बैठे थे। लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी सीधा यहाँ से अंदर है, वो लास्ट वाला पोर्शन वो लाइब्रेरी में आता है क्या? अच्छा हाँ, लाइब्रेरी वो सामने आपको दिख रही है, मैं उसका पूछ रहा था, उसका हमें पता नहीं है। तो बाकी यहाँ पे आज बच्चे बहुत कम है, क्योंकि आज शायद एक ही सेमेस्टर का जो सेकंड सेम के बच्चे, उन्हीं का पेपर है सिर्फ। तो इग्नो का भी पेपर चल रहे हैं बैक साइड में, इसको पता नहीं था मैम ने आज टाइम चेंज कर दिया एग्ज़ाम का, 12:30 है, 9:30 से 12:30 कर दिया, क्योंकि कोई इशू आ रहा था। और भी लड़के हैं ना, और भी आए हुए, दो तीन आए, वो पहली बार आया कॉलेज, वो पहली बार आया कॉलेज, इसलिए तो उसको पता नहीं, क्योंकि हमने स्कूल में रखा नहीं है। तो बंदों का आज जब से कॉलेज लगे हैं सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस, बंदे आज पहली बार आ रहे हैं। तो ये ऑडिटोरियम जैसे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें डोर मिल चुकी है, पक्का इसके साथ गुड्डा भी होगा। वो डोर आ रही है वहाँ से, हिचकिच। तो यहाँ पे मिशन, मिशन अनसक्सेसफुल यहाँ पे नहीं है, गुड्डा और सिर्फ डोर है, गुड्डा नहीं है। तो अब हम जो आपको डिपार्टमेंट बताने वाले हैं, ये मैथ्स का डिपार्टमेंट है ये वाला, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था। अरे चलते अंदर, पानी पियेंगे, ला पीछे ठंडा पानी है। तो अब चलते हैं सीधा अंदर, क्योंकि पीछे कूलर भी लगा है, कूलर से सिर्फ यहीं पर लगा और कहीं नहीं लगा। चलते हैं पानी पीते हैं सीधा। तो मुझे लगा लॉक लगा, लेकिन नहीं था, भाई ने बोला लॉक नहीं लगा हुआ है। तो ये भी बहुत सारी हरियाली है हमारे कॉलेज में, बहुत सारी हरियाली, बहुत सारी अद्भुत। तो इस साइड पे आपको कैंटीन दिख रही है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, बैठने की थोड़ी सी जगह है, और वो सामने कैंटीन है। तो यहाँ से सीधा बाहर चलते हैं। तो अंदर इग्नो के एग्ज़ाम चल रहे इस वाले पोर्शन में, जो मैंने आपको बताया। तो मैथ्स ब्लॉक को हमने अलविदा कर दिया, अब हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं, हमारी क्लासेस इस साइड होती हैं। तो ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट ये आ गया, बंद है सर। अच्छा एग्ज़ाम चल रहे हैं ना उसके कारण, अच्छा, सच्चे देखो ये एक और सीन है, मैं आपको बता दूं, MM कॉलेज में क्लस्टर सब में होती हैं या सिर्फ MM में? सिर्फ MM में। सैटरडे को भी ऑफ होता है, सैटरडे और संडे को भी सिर्फ गर्मियों के लिए, सर्दियों में सैटरडे को लगता है कॉलेज, मेरे को सीनियर ने बताया। तो ऐसा कुछ सीन है। तो पीछे ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है, और इस साइड आ गया प्रिंसिपल सर का ऑफिस, बाकी कुछ टीचर मेन ऑफिस यहीं पर है शायद, आगे से आपको बताते हैं पूरा। तो पूरा हरियाली से भरा हुआ है, मस्त है, तभी इतनी हवा चलती है यहाँ पे। तो ये आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे हर जगह एसी लगे हैं, हमारे वाले में तो कोई देखता नहीं है, लेकिन इनके लिए यहाँ पे एसी लगे हैं पूरे फुल फॉर्म में। लास्ट टाइम जब हम गए थे अंदर, हमें काम था, जब हमें एग्ज़ाम से यहीं पर जब कर दिए थे ना, हमने पेपर तो यहीं पर सबमिट अंदर करवाए थे, यहीं पर हमने करवाए थे, लेकिन बेस्ट अंदर ये वाला पोर्शन पूरा। तो हमें हमारे एक और भाई मिल चुके हैं, कैसे हो सर? आपका भी एग्जाम है आज? हाँ भाई, इग्नो का एग्जाम। कितने बजे? 10:00 बजे।
यार। इससे पूछते पेपर, फुल पेपर आज तैयार किया पूरा, जरा कम्युनिकेशन का कैसा हुआ था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 में से कितने नंबर का? 30 में से 2 मार्क्स आ जाएंगे। 30 में से 2 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन भाई का पेपर एकदम झकास हुआ है। सही है, पास कितने पे? पास पता नहीं, 30 का होना है कम्युनिकेशन, 12 पे। 30 का नहीं था, 20 का था कम्युनिकेशन। अच्छा 20 का था, 20 में से 8 वाला पास, 8 आएंगे, 8-7 क्या पता आ जाए। चलो रब के वाले, सब कुछ क्या पता आ जाए अगर इसकी किस्मत चमकी। 9:30 सर, पतंग उड़ा उड़ा के हमें हमारे दर्श भाई मिलते हुए, तो यहाँ पे चल रहा मैच। कैसे छोरे, हाँ लगी ना गल। तो एनसीसी कैंडिडेट्स की वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, जो हमसे पूछ रहे थे एनसीसी के बारे में, तो वो कॉलेज में आके ही पता कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आके पता लगेगा। वो उनके जो उसमें सीनियर्स होंगे ना, वही आपको बता सकते हैं क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होती है कैसे नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन सिलेक्शन बहुत गंदी वाली, यहाँ पे बहुत गंदी वाली ट्रेनिंग होती है, मैंने 2-3 बार देखी हुई है, बहुत ही खतरनाक वाली ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। इसलिए आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हो सीनियर से, फिर ही जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नाड़ा निकला है, अरे ब्रांडी नाड़ा निकल गया, क्या ब्रांड करेगा उसका। ओम फॉम, ये तो दर्राटे काट रहे हैं दोनों। क्या ये तो आपको पीछे वो दिख रहे हैं एनसीसी के कैंडिडेट्स, वो साइड से बाकी के थे यहाँ तक, तो अभी हम निकल रहे हैं घर पे। चलो चलो